A very good morning, dear students. In the first part of today's video, we have done so many topics. In the first one was the birds, and then the second was insect, and then our neighborhood and people who help us. And in this part, we will do some other topics. So let's just begin by writing down date on the top. So let's print a tree. Complete the tree using your thumbprints. Draw and color the more flowers to complete the scene. तो यहाँ पे तो एक्चुअली आपको ऐसे थंब प्रिंट करना था ग्रीन कलर के वाटर कलर से, बट आई नो कि घर पे आपके पास ग्रीन कलर अवेलेबल नहीं होगा, वाटर कलर अवेलेबल नहीं होगा, तो जस्ट कलर इट. ओके, एंड इफ यू आर हैविंग ग्रीन वाटर कलर, अगर आपके पास है ग्रीन वाटर कलर, तो उसको आप लेके और ऐसे थंब में उसको लगा के और ऐसे प्रिंट कर लीजिए. एंड इफ यू डोंट हैव, तो सिंपली कलर इट. कलर दिस पोर्शन विद अ ग्रीन कलर एंड दिस विद अ ब्राउन कलर. और साथ में आप कुछ फ्लावर्स भी बना सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे. ओके, एंड हियर देयर इज अ राइम दैट आई एम गोइंग टू सिंग, यू जस्ट रिपीट आफ्टर मी. ओके, ब्रीथ इन एंड देन आउट, कैन यू फील द एयर अबाउट, लुक एट द ट्रीज एंड ग्रास सो ग्रीन, हाई माउंटेन्स हैव यू सीन, लुक एट द स्काई एंड द सी सो ब्लू, लुक एट द फ्लावर्स, bees and butterflies too. Nature gives all of this for me and for you. So now turn the page. There is a picture, there is a beautiful picture that you have to color to make it more beautiful. Okay, yahan pe kya hai, there is a sun, क्लाउड, माउंटेन्स, रिवर, ग्रास. तो जो जिस कलर का होता है ना, आपको वैसे ही कलर करना है. ओके, तो दिस इज योर वर्क टू कलर इट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक, वेट, राइट डाउन डेट हियर एज वेल. यस स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लैंड व्हीकल्स. लैंड व्हीकल्स, कलर टू कम्प्लीट द पिक्चर, सर्कल द व्हीकल दैट ब्रिंग्स यू टू स्कूल. यहाँ पे ये सारे क्या है, व्हीकल्स हैं हमारे, और जो व्हीकल्स पे कलर नहीं है उसमें आपको क्या करना है, कलर करना है. एंड दीज ऑल द व्हीकल्स दैट रन ऑन रोड. ठीक है, जो रोड पे चलती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, लैंड व्हीकल्स. तो रोड पे कौन कौन सी व्हीकल चलती है, कार, ऑटो, टैक्सी, बाइसिकल, स्कूटर, वैन, बस, रिक्शा, और रेल की पटरी पे क्या चलती है, मेट्रो एंड ट्रेन. सो दीज ऑल आर द व्हीकल्स दैट रन्स ऑन रोड. है ना, क्या शिप रोड पे चलती है, शिप क्या लैंड व्हीकल है, नो. शिप कहाँ चलती है, वाटर पे. और बाइसिकल लेके आप कभी वाटर पे जा सकते हो क्या, रिवर पे, नेवर. तो बाइसिकल इज अ रोड व्हीकल. और आप बताओ आपके फादर के पास इनमें से कौन सा व्हीकल है, और आपके पास कौन सा व्हीकल है, या आप जब मार्केट जाते हो तो किस व्हीकल से जाते हो, एंड जब आप स्कूल आते थे तो आप किस व्हीकल से आते थे, उसे आपको सर्कल करना है. एज व्हेन मैम वाज कमिंग टू द स्कूल, मैम यूज टू कम विथ हर स्कूटर. एंड आप कैसे आते थे, इधर विथ योर पेरेंट्स स्कूटर, और विथ योर इन योर कार, और इन एनी ऑटो रिक्शा और वैन, ऐसे ही आते थे ना. तो आप जिनमें से भी आते थे उसमें क्या करना है, आपको सर्कल करना है. ओके, एंड यू कैन सी दिस इज अ ट्रैफिक लाइट. आपको पता है ना ये क्या है, ट्रैफिक लाइट है. और कितने कलर्स होते हैं ट्रैफिक लाइट में, थ्री कलर्स, रेड, येलो, ग्रीन. रेड सेज स्टॉप, येलो सेज वेट, एंड ग्रीन सेज गो. जब भी आप कभी जाते हो तो रोड में आप
रोड में आपने देखा है क्या ट्रैफिक लाइट? तो आप भी रुकते हो ना ट्रैफिक लाइट देख के? सो दिस इज अ ट्रैफिक लाइट इन विच थ्री कलर्स. फर्स्ट वन इज रेड विच सेज स्टॉप, देन येलो कलर विच सेज वेट, एंड देन ग्रीन कलर विच सेज गो. And these all the vehicles that moves on the road. That's why they all are called land vehicles. And here there is a rhyme that I'm going to sing for you. Out of my home when I go, I need transport. Do you know? जब भी हमें घर से बाहर कहीं जाना होता है तो हमें क्या चाहिए होता है? कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट. When it's near, I go by a scooter, rickshaw or car, but I catch the train if I go to go far. जब हमें पास में जाना होता है तो how do we go? स्कूटर से, रिक्शा से या कार से. बट जब हम कहीं बहुत दूर जाते हैं तो how do we go? In a train. I can also go by a bus or a van. I also cycle down if I can. These all are the vehicles. Did you know? We all need them. Somewhere we have to go. ये सारे schools, रिक्शा, scooters, taxi, रिक्शा, bus, van, these all are vehicles. क्या हैं ये सारे? Vehicles हैं. और whenever we have to go somewhere, we use them. There is another rhyme which is related to the traffic light. Look, this is a traffic light in the corner shining bright. Red says stop, green says go. Now turn the page to know more about vehicles. After land vehicle, now we will learn about water vehicles. So write down date on the top. So all the vehicles that sail on water are called water vehicles. Students, tell me one thing. क्या हम कार से जा सकते हैं क्या रिवर के ऊपर से? नो. जब भी हम कभी वाटर में सो दीज आर दी व्हीकल दैट सेल ऑन वाटर, शिप, बोट एंड याच. द शिप, बोट एंड याच. तो जब भी हम कभी रिवर्स में जाते हैं या कहीं पे ऐसे जाते हैं ना पानी वाली जगह पे, तो कैसे जाते हैं? शिप से जाते हैं, बोट से जाते हैं या याक से जाते हैं. कार थोड़ी हमारी कभी रिवर्स पे चल पाएगी, है ना? अच्छा, हैव यू एवर गो समवेयर विद बोट? बोट से आप गए हो क्या कभी, या बोटिंग की है आपने कभी? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू बोट, यू नो. बहुत मजा आता है वोटिंग करने में. आप भी कभी करना. एंड यहाँ पे आपको क्या करना है? यू हैव टू जस्ट कलर द पिक्चर ऑफ शिप एंड लर्न द नेम्स ऑफ दीज थ्री थिंग्स दैट आर वाटर व्हीकल्स, द शिप, बोट एंड याच. आफ्टर वाटर व्हीकल्स वी हैव सम मोर व्हीकल्स दैट आर वेरी फास्ट, एंड द फास्टेस्ट व्हीकल्स दैट आर एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर. You know, these are the fastest means of transport. So here what you have to do is you have to join the numbers from 1 to 10 like this. Join all the numbers to make an aeroplane and then color them, okay? Aeroplane, aeroplane in the sky, up, 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 so high. It flies with zip zap zoom and gets you there really soon. ये सबसे फास्ट जाती है और कहाँ पे जाती है? ये स्काई से होके जाती है, इसलिए से हम क्या बोलते हैं? एयर व्हीकल्स बोलते हैं, ओके? एंड जैसे एरोप्लेन होती है ना, वैसे क्या होती है? हेलीकॉप्टर भी होती है. और हेलीकॉप्टर भी कहाँ पे? एक क्या होता है? एयर व्हीकल्स होता है, क्योंकि ये भी स्काई में जाता है. तो यहाँ पे आपको क्या करना है? एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर दोनों में कलर करना है, ओके? तो हमने कौन कौन से व्हीकल्स के बारे में सीखा? लैंड व्हीकल्स, वाटर व्हीकल्स एंड एयर व्हीकल्स. लैंड व्हीकल्स कौन कौन से थे? जो रोड पे चलते हैं, जैसे ऑटो रिक्शा, बस, कार, टैक्सी, बाइसिकल, स्कूटर, वैन. दीज ऑल आर दी लैंड व्हीकल्स दैट रन ऑन रोड.
And then we have learned about water vehicles that sail on water as ship, boat and yacht. And we have also learned about air vehicles as aeroplane and helicopter. To learn the name of all the vehicles, okay? Now turn the page for an exercise. Write down date on the top. Here, circle the vehicle that move on road. यहाँ पे आपको उन व्हीकल को सर्कल करना है जो कहाँ चलती है, रोड पे. ओके, तो टेल मी, कार कहाँ रोड पे चलती है क्या? यस, सर्कल इट. इज शिप मूव ऑन रोड, रोड पे शिप चलती है? नो, बिकॉज शिप सेल्स ऑन वाटर. और रोड पे क्या चलता है? स्कूटर एंड वैन. Now, in the second exercise, circle the vehicle that moves on water. तो water पे कौन कौन सा vehicle चलता है? Boat होता है ना water पे? Yes, तो circle this. Ship भी होता है water पे, circle it. Helicopter water पे होता है क्या? Water पे move करता है क्या? No, ये तो air vehicle है. Water vehicle कौन सा है? Yacht. तो boat, ship and yacht, these three are the water vehicles. Now circle the vehicle that move on air. So aeroplane and helicopter moves on air. So this is it for today. So learn the name of all the vehicles, okay, and color the pictures, this one and this one. Now we will meet in the next video. Till then, goodbye.